सबसे पहले आपको गूगल पे जाना रहेगा, गूगल पे लिखना रहेगा लैंड रिकॉर्ड, और लैंड रिकॉर्ड लिखेंगे लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश जो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, या फिर मध्य प्रदेश भू अभिलेख इस पर क्लिक करेंगे। इन पर क्लिक करने के बाद अब आपको मैप दिख रहा होगा, इस मैप में आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला, जैसे मैं विदिशा जिला है तो विदिशा सेलेक्ट करता हूँ। विदिशा सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें वर्तमान पूर्व खसरा लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना जिले का सेलेक्ट करेंगे फिर से, जो भी आपका जिला है। अब मेरे केस में विदिशा है तो मैं विदिशा सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है, फिर आपका गाँव, जो भी आपका ग्राम है। इसके बाद में आपको भूस्वामी से सर्च कर सकते हैं आप, तो भूस्वामी से देखेंगे खसरा ना, संख्या से खसरा और प्लॉट से प्लॉट, तो मैं भूस्वामी से देख रहा हूँ, तो ये सभी भूस्वामी आ जाते हैं। तो इनमें से जो भी आपका, जिसका भी आपको देखना है, आप उस पर क्लिक करना है। आप देखिएगा, आप खसरा नंबर से भी देख सकते हैं और आप प्लॉट संख्या से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो किसी का भी देखना है, चूँकि मैं तो एक डेमो करके बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पर चूँकि किसी की पर्सनल जानकारी नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसे कोई नॉर्मल डाल देता हूँ, ये मैंने जैसे ही करा। और यहाँ पर एक उसका प्लॉट संख्या आ गई, तो वहाँ पर अपन देख चेक कर सकते, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आप विवरण देखे पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे प्लॉट संख्या आ गई, क्षेत्रफल आ गया, कितना एरिया हेक्टर में लिखा आता है, वर्षा आ गई, कब से कब तक है, क्या भूमि का प्रकार क्या है, खसरा, नक्शा और केस विवरण। तो आप खसरे पे क्लिक कर दो, नक्शे पे क्लिक कर दो, जो भी इस पर केस चल रहा है वो केस का ही पता चल जाता है। हमने यहाँ पे खसरा देखना है, खसरे पे क्लिक कर दिया है, खसरा जो क्लिक हुआ है, अब इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा सर्च करेगा ये, और इसके बाद में ये आ गया उसका पूरा खसरा। यहाँ पर देखो यूनिक आईडी भी लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है आपका, टोटल एक एक चीज़ यहाँ पर आपको लिख कर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये आपका खसरा होता है, जिसमें पूरी जानकारी आप यहाँ समझ कर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा ये, और आप चाहें तो जैसे भी इसको प्रिंट करना है, पीडीएफ सेव करना है, जो भी करना आप कर सकते हैं। वापस वहाँ पे देखेंगे नक्शे के लिए, नक्शे पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नक्शा भी देख सकते हैं, मतलब जो भी आपको देखना है उस तीनों चीज़ों पर क्लिक करेंगे तो वही आपको दिख जाएगा। अगर उस चीज़ का नक्शा अवेलेबल नहीं है तो आपको पटवारी के पास जाना, पटवारी से भी नक्शा ले सकते हैं, अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो, या फिर आप पटवारी को सूचित कर सकते हैं, तो इसमें आपको बता देगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, और अगर इसमें कोई केस है तो वो केस भी की जांच भी आप इसमें कर सकते हैं। तो भी गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि सबको जानकारी रहे, सबको इधर उधर ना भटकना रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।